गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में उन्होंने स्टडी की थी पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं के स्वरूप द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का बनना, जिसमें हमने मिश्रण को समझा था जिसको आप मिक्सर कहते हो, कंपाउंड को समझा था जिसे आप यौगिक कहते हैं, और हमने तत्व यानी एलिमेंट को भी समझा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है। और आज हम स्टडी करेंगे कि चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, कोई भी जो पदार्थ होता है मैटर, वो कितने अवस्थाओं में रह सकता है। तो हम लोगों ने देखा है कि हम किसी भी ठोस पदार्थ को अगर गर्म कर दें तो वो गर्म होने के बाद द्रव में बदल जाएगा। अगर उस द्रव को हम और गर्म कर दें तो वो वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प को ठंडा कर दें तो वो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को और ठंडा कर दें तो वो ठोस में यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर पदार्थ तीन भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो आज हम इसी की स्टडी करेंगे। तो मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आते होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे अपडेट्स को आप हमेशा पाते रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं की बात करें कि किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं को कैसे बदला जा सकता है कि वो ठोस में है द्रव में बदल दें, द्रव में है तो गैस में बदल दें, तो इसकी सिर्फ तीन विधियां हमें ज्ञात हैं। एक है द्रवणांक, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, दूसरा होता है हिमांक, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और तीसरा होता है क्वथनांक, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो हम वन बाई वन इनकी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है द्रवणांक, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। पहले हिंदी समझते हैं, द्रवणांक, द्रवण का अंक, द्रवण का मतलब गल जाना, और अंक का मतलब किसी निश्चित गिनती पर। तो यहां गिनती से मतलब क्या है, किसी निश्चित ताप से है, यानी किसी फिक्स टेम्परेचर से है। तो वह निश्चित ताप, शब्दों पर ध्यान दीजिए, टेम्परेचर फिक्स रहेगा जिस पर कोई ठोस गर्म करने से द्रव में बदल जाता है, गलनांक कहलाता है। Mean that fixed temperature on that any solid substance convert into liquid is known as its melting point. तो हर एक तत्व का, हर एक सॉलिड का, हर एक एलिमेंट का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक होता है, यानी उसी निश्चित ताप पर वो पदार्थ ठोस से द्रव में यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम लोहे को, लोहा किस अवस्था में होता है, सॉलिड यानी ठोस, तो अगर लोहे को हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें यानी द्रव में बदलना चाहें तो हमें उसे 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम से कम गर्म करना पड़ेगा। तो जो शुद्ध लोहा होगा वो इस डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचते वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर उस लोहे का क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। मगर लोहे कई प्रकार के होते हैं, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो कहीं अगर कुछ और फिगर दिखे तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं हिमांक। हिमांक यानी हिम में बदलने वाला अंक, हिम मीन बर्फ, और बर्फ किस अवस्था में होता है, ठोस। तो यानी कि वो निश्चित टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है। तो अगर डेफिनेशन देखें तो किसी निश्चित दाब पर, यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी कुछ होगा वो एक फिक्स प्रेशर पे होगा, क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ेगा और टेम्परेचर पे असर पड़ेगा, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर पे असर पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो भी टेम्परेचर पे असर पड़ेगा। इसलिए टेम्परेचर अगर हमें फिक्स लेना है तो हमें प्रेशर फिक्स रखना होगा, यानी दाब फिक्स कर देना है। तो किसी निश्चित दाब पर वह नियत ताप, वो फिक्स टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है, उसका हिमांक कहलाता है। मीन ऑन द डेफिनेट प्रेशर दैट फिक्स टेम्परेचर ऑन दैट एनी लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज नोन एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में बदल जाता है, और बर्फ क्या है, ठोस है, और पानी क्या है, द्रव है। तो यानी कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है
ये एक लाक्षणिक गुण है, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। हर एलिमेंट के कैरेक्टर इस पर डिपेंड करता है, मगर फ्रीजिंग पॉइंट पर किसी भी यौगिक के गुण डिपेंड नहीं करते, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि वो पदार्थ शुद्ध है या नहीं है। अगर पानी भी शुद्ध नहीं है तो 0 डिग्री पर बर्फ में नहीं जमेगा। और याद रखिएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी पदार्थ का जो अधिकतम घनत्व होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, मगर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी, अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछा जाता है, यानी कि आपके टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में, और भी जो इस तरह के आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, वहां पूछा जाता है कि जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। तो द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द वाटर विल बी फाउंड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लर्न रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि गलन क्रिया के विपरीत, यानी जो हिमांक होता है, ये गलन क्रिया यानी कि मेल्टिंग प्रोसेस से एकदम उल्टा होता है। मेल्टिंग प्रोसेस में सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और फ्रीजिंग कंडीशन में लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। अब हम स्टडी करते हैं कि क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो अगर हम क्वथनांक की बात करें तो क्वथन का मतलब हिंदी में होता है उबलना या बुलबुले बनना। तो आपने देखा होगा, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो शुरुआत में पानी की पेंदी से बुलबुले उठना शुरू करते हैं, वो छोटे छोटे बबल्स ऊपर तक जाते हैं, और ऊपर पहुंचते पहुंचते पानी उबलने लगता है और भाप बननी शुरू हो जाती है। इसी अवस्था को हम बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथन का मतलब होता है उबलना, और अंक का मतलब होता है निश्चित ताप पर। तो यानी वह निश्चित ताप, वो फिक्स टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव यानी लिक्विड वाष्प यानी गैस में परिवर्तित होता है, क्वथन कहलाता है। मीन दैट फिक्स्ड टेम्परेचर ऑन विच एनी लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं, ये सेकंड डेफिनेशन है, कि जिस नियत ताप पर यानी जिस भी फिक्स टेम्परेचर पर द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी कोई भी लिक्विड जो होता है उसके पास अपना एक प्रेशर होता है और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का भी एक दाब होता है। तो अगर हम उस लिक्विड को गर्म करना शुरू करें तो जिस भी टेम्परेचर पर उस लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उसी ताप को उसका हम क्वथनांक कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन बहुत ही पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसको इंग्लिश में समझें तो दैट टेम्परेचर on which the pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as its boiling point। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देंगे तो वो वाटर यानी लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, यानी वाटर वेपर में। अब हम समझते हैं कि अतिशीतित द्रव यानी सुपर कूल्ड लिक्विड क्या है, वाष्पन यानी एवेपोरेशन क्या है, और क्वथन, इन दोनों में डिफरेंस भी क्या है। अगर हम सुपर कोल्ड लिक्विड की बात करें, इसे हम अतिशीतित द्रव कहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी द्रव को हम ठंडा करते चले जाते हैं मगर वो ठोस में परिवर्तित नहीं होता। तो ऐसे ही पदार्थों को हम सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं, यानी वो हमें दिखते तो ठोस अवस्था में है मगर वो रहते हैं किस अवस्था में, लिक्विड कंडीशन में। इसीलिए इनको हम आभासी ठोस कहते हैं, या इंग्लिश में स्यूडो सॉलिड कहते हैं। बहुत पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय स्यूडो सॉलिड्स। तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि वे द्रव यानी वो लिक्विड हैं जो ठंडा करने पर भी ठोस में नहीं बदल पाते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। यानी दोज लिक्विड्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू सॉलिड्स ऑन कूलिंग is known as super cold liquid, जिसका बहुत बढ़िया example है कांच। अब आप confused हो रहे होंगे, सर कांच तो छूने पे solid लगता है, ठोस लगता है। जी नहीं, कांच एक pseudo solid है, जिसको आप झूठा ठोस कह सकते हो या आभासी ठोस कह सकते हो। वो कांच हमेशा बहुत ही स्लो स्पीड से नीचे की ओर बहता रहता है, मगर वो स्पीड इतनी लो होती है कि हमारी आंखें उस स्पीड को पकड़ नहीं पाती हैं, इसीलिए हम कांच को ठोस समझते हैं। तो याद रखिएगा, कांच एक झूठा ठोस है, आभासी ठोस है, स्यूडो सॉलिड है, जिसको कूट ठोस भी कहते हैं, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है।
और आपने देखा होगा पुराने घरों की खिड़कियां और बसों की जो खिड़कियां होती हैं वो कुछ समय के बाद खट खट करने लगती हैं, क्योंकि कांच हमेशा ऊपर से नीचे बहता है तो नीचे का बेस मोटा हो जाता है, ऊपर कांच पतला हो जाता है, जिससे वो गैपिंग करना खट खट करता रहता है। नेक्स्ट है कि वाष्पन यानी वेपराइजेशन क्रिया क्या है। तो वो क्रिया जिसमें द्रव यानी लिक्विड किसी भी ताप पर यानी जहां पर टेम्परेचर फिक्स नहीं है, किसी भी ताप पर वाष्प यानी गैस में बदलता रहता है, वाष्पन कहलाती है। जैसे कपड़ों का सूखना, कपड़ों को धुलने के बाद हम सुखाने के लिए उसको धूप में डाल देते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होगा कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, टेम्परेचर कम होगा कपड़ा देर से सूखेगा, बदली होगी कपड़ा और देर से सूखेगा, मगर कपड़ा सूखेगा जरूर। कपड़ा कमरे में भी सूखेगा, कपड़ा बक्से में बंद कर दे के रखने पे भी सूखेगा, कपड़े को धूप में टांगोगे तो भी सूखेगा, हवा में टांगोगे तो भी सूखेगा। यानी वाष्पन क्रिया हर ताप पर होती रहती है और इसी प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। अभी कंफ्यूजन हुआ कि सर वाष्पन में भी लिक्विड यानी द्रव गैस में बदलता है और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में भी लिक्विड गैस में बदलता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्वथन और वाष्पन यानी वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में बहुत डिफरेंस पूछा जाता है, तो अब हम इसके डिफरेंस की स्टडी करते हैं। तो वाष्पन और क्वथन में डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर लर्न कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपके सेमेस्टर एग्जाम में और साथ ही आपके बाकी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इवन क्लास 12 तक ये आपसे पूछा जाता है। तो ये है वाष्पन, जिसको आप बोलते हो वेपराइजेशन, और यह है क्वथन जिसको आप बोलते हो बॉइलिंग। दोनों डिफरेंस क्या है बहुत बारीकी समझिएगा। तो वाष्पन प्रत्येक ताप पर होती है, यानी कि पानी हमेशा हर पल दिन रात हर मौसम में हमेशा वाष्प में बदलता रहता है, जलवाष्प में बदलता रहता है और आसमान में जाता रहता है। और यही वाष्पन क्रिया पानी के बरसने का यानी बादलों के बनने की क्रिया का कारण है। कि जब वाष्पन क्रिया होती है और पानी भाप बन के जलवाष्प के रूप में वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, तो वहां पर जब ये ठंडा होता है तो वापस लौट कर आता है द्रव के रूप में, जिसको आप बारिश या बरसात कहते हैं। तो ये क्रिया हर ताप पर होती है, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कितना टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन क्वथन की बात करें तो यह क्रिया नियत ताप पर होती है, यानी एकदम फिक्स टेम्परेचर पर होता है। जैसे पानी को अगर हमें उबालना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा, इससे कम पर पानी में क्वथन यानी बॉइलिंग नहीं होगा। जबकि कपड़ा हर टेम्परेचर पर हर जगह सूख जाता है, यानी वो क्या है, वाष्पन क्रिया है। तो वाष्पन क्रिया के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, केवल द्रव की सतह पर होता है, यानी जो वाष्पन क्रिया होती है वेपराइजेशन होता है ये सिर्फ लिक्विड के सरफेस पर होता है, यानी हमेशा पानी जो भाप बन के उड़ता है वो सिर्फ सतह से उड़ता है, नीचे से नहीं उड़ता, सतह से। जबकि जो क्वथन क्रिया होती है ये द्रव के प्रत्येक भाग में होता है। अगर आपने कभी पानी को उबलते हुए देखा हो तो सबसे पहला जो बुलबुला निकलता है वो बर्तन के पेंदी से निकलता है और बुलबुला ऊपर पहुंचता है, ऊपर पहुंचकर बड़े बड़े बुलबुलों के रूप में उबलना शुरू हो जाता है, इसी को हम क्वथनांग कहते हैं। तो यानी क्वथन क्रिया कहाँ होती है, द्रव के पूरे भाग में, और वाष्पन क्रिया कहाँ होती है, लिक्विड के सरफेस पर यानी द्रव की सतह पर। नेक्स्ट पॉइंट, यह क्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे कपड़ा आप डालते हो धूप में ले जाके हमने डाला तो तुरंत सूखा नहीं गया, क्या उठा लो, धूप में डाल देते हैं कुछ वक्त के बाद वो सूखता है, यानी ये प्रोसेस कैसे होता है, धीरे धीरे। लेकिन जब आप चाय बनाने के लिए किचन में जाते हैं तो 2-3 घंटे में चाय नहीं बनती है, बस मिनट 2 मिनट के अंदर पानी चढ़ाते ही बहुत तेजी से उबलना शुरू हो जाता है और कुछ वक्त के बाद उसमें उबाल आ जाती है। तो यानी कि ये जो क्वथन क्रिया है बॉइलिंग ये तेज होती है और वेपराइजेशन यानी वाष्पन क्रिया धीमे धीमे होती है। जब भी कभी वाष्पन याद करना हो कपड़े का सूखना याद रखो, और क्वथन को समझना हो तो पानी का उबलना याद रखो, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्द्रता व वायु गति पर निर्भर करता है, यानी कि जो वाष्पन क्रिया है पानी का भाप बन के उड़ना कपड़े का सूखना ये डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर में नमी कितनी है, जिसको आप बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जैसे बारिश में कपड़ा देर से सूखता है, तो यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वाष्पन क्रिया घटेगी, प्लस अगर तेज हवा चल रही है तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाष्पन क्रिया पर यानी वेपराइजेशन प्रोसेस पर आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी और वायु गति यानी विंड के स्पीड का असर पड़ता है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है यानी आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पन क्रिया घट जाएगी, अगर वायु गति तेज है तो वाष्पन क्रिया बढ़ जाएगी। लेकिन क्वथन पर आर्द्रता व वायु गति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब
जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठंडक, हर कंडीशन में, हर मौसम में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता था, उबलता है और पॉसिबल रहा तो उबलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड का क्वथन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज और समझते हैं कि कभी भी अगर हम पानी को तेल को आपस में मिला दें तो पानी के सरफेस पर, जल के सरफेस पर, सतह पर तेल तैरता रहेगा क्योंकि तेल हल्का होता है। ऐसे मिश्रण को हम पायस कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि पायस क्या है, जल और तेल का मिश्रण, और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है OW टाइप और एक होता है WO टाइप। दोनों टाइप्स को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उसको हम डिटर्जेंट में भिगो करके पानी में डाल देते हैं और कुछ वक्त फूलने के बाद कपड़े हमारे साफ हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिटर्जेंट में जो होता है उसमें ऑयली प्रॉपर्टी यानी चिकनी प्रॉपर्टी होती है और पानी में डालने पर एक स्पेशल मिक्सचर बना है जिसको हम पायस यानी इमल्सन कहते हैं, और इसी पायस के बनने से ही कपड़े से मैल साफ हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जो गंदगी होती है उसके कण पानी के साथ और डिटर्जेंट के साथ मिक्स होकर के इमल्सन यानी पायस बनाते हैं और पानी के साथ बह जाते हैं और कपड़ा आपका साफ हो जाता है। तो पायस होता क्या है, द्रव व द्रव यानी दो लिक्विड अगर आपस में मिल जाएं तो मिश्रण को पायस कहते हैं, लेकिन यहां पर शर्त है कि एक लिक्विड होना चाहिए जल जैसा जिसके अंदर विस्कोसिटी ना हो, चिपचिपापन ना हो, तो पानी में चिपचिपाहट नहीं होती, और दूसरा लिक्विड होना चाहिए कुछ चिकना सा जैसे आयल। तो बहुत सरल भाषा में हम द्रव की यहां कह सकते हैं कि पानी और तेल का मिश्रण क्या कहलाता है, पायस कहलाता है, इंग्लिश में इसको इमल्सन बोलते हैं। मीन इमल्सन इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। अब क्वेश्चन बनता है कि पायस होते कितने प्रकार के हैं, तो पायस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है OW टाइप और दूसरा होता है WO टाइप। तो OW टाइप का मतलब होता है ओ मीन ऑयल इन वाटर यानी पानी में तेल। अगर हम पानी में तेल मिला दें तो जो बनेगा वो क्या है, वो पायस है, लेकिन कैसा पायस है, वो है OW टाइप यानी ऑयल इन वाटर, यानी कि तेल को हमने पानी में मिलाया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑयल इन वाटर यानी पानी में तेल। तो पानी किस कंडीशन में, यहाँ पर पानी ज्यादा क्वांटिटी में है और तेल कम क्वांटिटी में है। दूसरा होता है WO टाइप, W मीन वाटर इन ऑयल यानी अब पानी रहेगा तेल के अंदर, लिखा हुआ है वाटर इन ऑयल यानी तेल में पानी, तो तेल ज्यादा पानी कम, तो ऐसा जो पायस बनेगा उसको हम WO टाइप कहते हैं। तो इमल्सन के द्वारा ही, पायस के बनने से ही आपके घरों में सफाई होती है, आपके घरों में डिटर्जेंट और साबुन काम करते हैं, आपके बदन से जो गंदगी साबुन के लगा के नहाने से दूर होती है वो पायस बनने के कारण होती है, डिटर्जेंट डालने से जो कपड़े साफ होते हैं वो भी पायस के बनने के कारण ही होते हैं। अगर ये इमल्सन का फॉर्मेशन ना हो तो कपड़ा कभी साफ नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझे कमेंट कीजिएगा या पर्सनली कॉन्टेक्ट करके अपने सॉल्यूशंस को मुझसे जरूर गेन कीजिएगा और अपने क्वेरी को सॉल्व कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वही रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे वीडियो पहुंच सकें और मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पृथक्करण की विधियों को जानने के लिए यानी प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, और उस वीडियो के बाद ये लेसन और ये बुक फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।